के खुलने का सिलसिला शुरू हो गया है। वीरान पड़े स्कूलों में रौनक दिखने लगी है। आपको बता दें कि कोरोना के चलते 10 महीने से बंद राजस्थान के 30,000 से ज्यादा स्कूल सोमवार को खुल गए हैं। यहां बता दें कि सरकार ने कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए ही स्कूलों को खोलने की इजाजत दी है। स्कूल पहुंचने वाले स्टूडेंट्स को पेरेंट्स का लिखित हस्ताक्षर युक्त सहमति पत्र लाना होगा। स्कूल के गेट पर ही इसे चेक किया जाएगा, इसके बाद ही क्लास तक जाने दिया जाएगा। स्कूल परिसर में प्रवेश करने पर 6 फीट की दूरी रखकर ही लाइन में खड़ा होना होगा। इसके लिए कई स्कूलों में एंट्री गेट से क्लास तक सर्कल बनाए गए हैं। वही स्कूलों की एंट्री गेट और क्लास में प्रवेश करने से पहले सभी स्टूडेंट्स की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। उनके शरीर का तापमान भी चेक किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 2 पारियों में स्कूल चलेगा। इनमें 9वीं और 11वीं के छात्रों का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा, जबकि 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स का स्कूल टाइम सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 तक रहेगा। इनमें सिर्फ मुख्य विषयों की पढ़ाई होगी। एक क्लास में 15 से 20 बच्चे बैठेंगे। स्पोर्ट्स, म्यूजिक व अन्य ऐच्छिक क्लास नहीं लगेंगी। वही कैम्ब्रिज कोर्ट हाई स्कूल सुबह 9 बजे से सुबह 11:30 बजे तक खुलेगा। जयपुर समेत राज्य के बड़े स्कूलों में ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है। यानी अगर पेरेंट्स बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहें तो वह घर में रहकर तैयारी कर सकते हैं। स्कूल पहुंचने पर बच्चों के लिए एक नया माहौल भी रहा। अध्यापकों ने बच्चों को स्कूल पहुंचने पर स्वागत भी किया। इस दौरान बच्चों ने कई दिनों के बाद मिलने पर थोड़ी गपशप भी की। बच्चे एक दूसरे को देखकर ये बोलते हुए भी नजर आए कि तेरी शक्ल बदल गई है। बताते चले कि अभी केवल राज्य सरकार ने 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी है। इसके अलावा अन्य कक्षाओं के छात्रों की कक्षाएं स्कूलों में लगने के लिए अभी समय लग सकता है। इधर शिक्षा विभाग की माने तो उनके अनुसार अगर सब कुछ ठीक रहा तो फरवरी माह से कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों को भी स्कूल जाने की अनुमति दे दी जाएगी। बताते चले कि सोमवार को स्कूल का नजारा बदला नजर आया। एंट्री गेट पर हाथ मिलाने और गले लगाने वाले स्टूडेंट्स दूर से ही एक दूसरे को हेलो हाय कहते नजर आए। टीचर्स भी लगातार बच्चों को एक दूसरे से दूर रहने की सलाह देते रहे। वही पहले दिन स्कूलों में 10 से 15% बच्चे ही पहुंचे। बता दें कि ब्रिटेन में आए कोरोना के नए स्ट्रेन के बाद अभी भी काफी पेरेंट्स एक राय नहीं है। कई पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल खुद छोड़ने के लिए आए। पहले की तरह ऑटो रिक्शा और बाल वाहिनी गाड़ियों से बहुत कम बच्चे ही स्कूल पहुंचे। स्कूल संचालकों के मुताबिक काफी पेरेंट्स अभी भी कुछ तय कर पाने की स्थिति में नहीं है। बस्सी के देवगांव में छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई, इसके बाद उनको एंट्री दी गई। स्कूल खुलने पर बच्चों ने बताया कि बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। घर पर वह बोर भी हो रहे थे। स्कूल खुलने से उनकी पढ़ाई भी अब अच्छे तरीके से हो सकेगी, साथ ही वे अपने दोस्तों के साथ समय भी व्यतीत कर सकेंगे। यहाँ बता दें कि स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के स्कूल प्रबंधकों को सख्त निर्देश हैं। यहाँ ये भी बता दें कि अभी कुछ कोचिंग संस्थाओं में सोशल डिस्टेंसिंग समेत वैसी व्यवस्थाएं नहीं हो पाई हैं। अलवर के एक कोचिंग संस्था में बच्चे एकदम सटे हुए बैठे दिखाई दिए। यहाँ छोटे से क्लासरूम में ही 100% उपस्थिति की व्यवस्था संस्था ने कर दी। बताते चले कि राजस्थान में स्कूल खुल चुके हैं। राजस्थान में 10 महीने के बाद स्कूल खुले हैं। स्कूल में आने वाले सभी स्टूडेंट्स को मास्क पहनकर ही प्रवेश करना होगा, साथ ही कोरोना गाइडलाइन का भी सख्ती से पालन करना होगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.